मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ के लिए ये मैथ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर रेशियो इट मीन्स अनुपात और प्रोपोर्शन इट मीन्स समानुपात। यहाँ पर प्रीवियस क्लास में यानी क्लास सिक्स में रेशियो और प्रोपोर्शन आप पढ़े थे, वो एकदम सेम कंडीशन है। इसमें भी वही फरना है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है ए, फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पर 20 to 150, यहाँ पर 20 है और 150 है, तो 20 को पहले लिखते हैं, 150 को नीचे लिखते हैं। ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो गया। अब यहाँ पे इस जीरो से जीरो को काट देते हैं और 2 by 15, इट मीन्स 20 to 15, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से इसमें चार क्वेश्चन हैं, चारों आप बना लेंगे। और बी नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम है, बी नंबर का जो क्वेश्चन है ये व्हाट प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब इसका जो बी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम है, मैनी वर्क्स इन ए मिल एंड अर्न 955 रुपीज पर मंथ, यानी अर्निंग जो है वह क्या है, 955 रुपीज है। और इसमें सेविंग जो है, सेविंग कितना है, रुपीज 185 पर मंथ फ्रॉम द अर्निंग, फाइंड द रेशियो। अब इसमें रेशियो में दो क्वेश्चन है। पहला है कि हर सेविंग टू इनकम, हर सेविंग टू इनकम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर सेविंग टू इनकम, तो सेविंग है 185 रुपीज और इनकम है 955। ये दोनों ही डिजिट 5 से कटने वाला है, तो पहले हम 5 से इसको काटते हैं। 5 3 जा 15, 3 बचा 5 7 जा 35। इसको 5 से काटते हैं तो 5 1 जा 5, 4 बचा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब फिर इसको देखते हैं, यहाँ पर 37 और 191, अगर 3 से काटते हैं हम, है ना, तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 7, तो ये आपका 37 रेशियो 191। अगर यह और कटने वाला होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालकर काट सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर। ये सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 3:4 और 7:9। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच रेशियो इज लार्जर, कौन सा रेशियो लार्जर है। तो सबसे पहले 3/4 और 7/9 को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। अब यहाँ कंपेरिजन करते हैं कि ये 3/4 लार्जर है या 7/9 लार्जर है। तो एक मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 3 जा 27 और 4 7 जा 28, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो पर्सन है वह है 27 का और ये वाला जो पर्सन है वो है 28 का। तो उस हिसाब से 7/9 जो हुआ आपका लार्जर हुआ, यानी 7/9 जो फ्रैक्शन है वह क्या है, आपका आंसर है। इस तरह से हम B
डी नंबर का जो क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन। यहां पर डी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 150, 250, 200 और 300। इस तरह से इसमें तीन क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट हम देखते हैं कि यार जो दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रोपोर्शन में है। तो 150:250, ये इस टू का साइन है और ये 200:300। यहाँ पर देखते हैं 150/250=200/300। अगर LHS=RHS हो जाता है तो इट इज ए, ये नंबर प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर 0 से 0 काटते हैं और 5 से काटते हैं, तो 5 3 15 और 5 5 25। यहाँ पर 2 0 से 2 0 काटते हैं 2/3। अब यहाँ 3/5=2/3। ये जो फ्रैक्शन है वो नॉट इक्वल टू है, इसलिए ये 150, 250, 200 और 300 नॉट प्रोपोर्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर ई, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। इसको आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई में, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग विच आर इन प्रोपोर्शन। पहला इसका क्वेश्चन है x=5:28:35। इस क्वेश्चन में हमको x का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। तो x/5=28/35। इसमें x का वैल्यू निकालते समय क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करते हैं, x into 35 और 5/28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/5। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू हुआ 28/5/35। अब देखते हैं कि 5 से 35 कट जाएगा, 5 7 जा 35 और इस 7 से 28 कट जाएगा 4 times। यानी मेरे पास जो x का वैल्यू हुआ वो 4 हुआ। इस तरह से हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब तीन क्वेश्चन है FGH।